गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर डीएसएस ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर कंप्यूटर टीचर नासरीन दास। स्टूडेंट, दिस इज अ फोर पार्ट ऑफ वीडियो। सो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द योर फोर पार्ट ऑफ योर चैप्टर एंड योर फोर पार्ट इज स्पीकर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस टॉपिक इज योर स्पीकर। स्पीकर, व्हाट इज द स्पीकर स्टूडेंट्स? द स्पीकर इज लुक लाइक अ साउंड बॉक्स। स्पीकर का मतलब होता है कि जिससे हमको आवाजें आती हैं, आवाज सुनाई देता है, उसको हम लोग स्पीकर कहते हैं। ओके, नाउ लुक एट द बोर्ड। दे आर थ्री पॉइंट्स ऑफ स्पीकर। यहाँ स्पीकर के कुछ थ्री पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। नाउ लुक एट द बोर्ड एंड लिसन वेरी केयरफुली। एंड योर फर्स्ट लाइन इज स्पीकर एनेबल यू टू लिसन टू म्यूजिक और अदर ऑडियो फ्रॉम द कंप्यूटर। मीन्स स्पीकर जो है, स्पीकर के थ्रू हम क्या करते हैं, हम लोग ऑडियो वीडियो भी सुन सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं और ऑडियो साउंड वगैरह भी सुन सकते हैं। बट वो किसके थ्रू? कंप्यूटर के थ्रू, बिकॉज ही इज अटैच द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। आपने भी कंप्यूटर को देखा होगा, उसके साथ स्पीकर भी देखा है। मैंने फर्स्ट पार्ट में कंप्यूटर को बताया है, दिखाया है, उसके साथ उसके पार्ट्स को भी बताया था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू योर सेकंड पॉइंट। एंड योर सेकंड पॉइंट इज कंप्यूटर स्पीकर आर जस्ट लाइक स्टूडियो स्पीकर। स्टूडेंट्स, स्टूडियो का मतलब होता है जो बड़े बड़े साउंड बॉक्स होते हैं, जिसको आपने पार्टीज वगैरह में देखा है, उसको हम लोग स्टूडियो स्पीकर कहते हैं। ओके, आप अक्सर पार्टीज में देखते हैं डिजिटल बड़े बड़े साउंड को हम लोग स्टूडियो स्पीकर कहते हैं। बस उसी को उससे कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर का साउंड है वो आपका स्मॉल साइज में आता है और ये जो है स्टूडियो स्पीकर ये बड़े होते हैं। नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट योर स्क्रीन एंड कंपेयर द स्टूडियो स्पीकर एंड स्पीकर। दे आर टू साइज एंड डिफरेंट, दे आर सेम, दे आर डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप। एंड स्पीकर इज अ स्मॉल साइज एंड स्टूडियो स्पीकर इज अ लार्ज साइज। नाउ वी आर गोइंग टू योर थर्ड पॉइंट। दे यूजली कम इन अ सेट ऑफ टू एंड आर अवेलेबल इन वेरियस साइज। मीन्स ये जो है आपको टू सेट्स में अवेलेबल होते हैं, आपको ये दो मिलेंगे, वन नहीं मिलेंगे आपको, और ये वेरियस साइज के आते हैं। आपको मैंने स्क्रीन पे फर्स्ट में आपको दिखाया ना, ये डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट योर स्क्रीन एंड कंपेयर द वेरियस साइज ऑफ स्पीकर्स। मीन्स ये कई साइज और शेप में आते हैं और ये अवेलेबल होते हैं। बट मेन रीजन ये है इसका कि आपको ये टू सेट्स में मिलेंगे। ये आपको वन पेयर में मिलेगा, मतलब दो रहता है, एक आपको सिंगल पीस नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू योर सेकंड पैराग्राफ एंड योर सेकंड पैराग्राफ इज अबाउट द यूपीएस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर लास्ट पैराग्राफ अबाउट द यूपीएस। यूपीएस क्या होता है स्टूडेंट्स? यूपीएस जो है कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, वो हमारे यूपीएस जो है कंप्यूटर को पावर देता है। ओके, अ कंप्यूटर वर्क विथ इलेक्ट्रिसिटी विच कैन गो ऑफ एनी टाइम एंड इफ यू हैव नॉट सेव योर वर्क इट विल बी इरेज फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एज सून एज द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। मीन्स ये क्या कह रहा है कि अगर हम लोग अपने कंप्यूटर में जो भी वर्क करते हैं उसको सेव नहीं करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। कंप्यूटर वर्क विथ इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर जो है बिजली से काम करता है, विच कैन गो ऑफ एनी टाइम, वो कभी भी ऑफ हो सकता है, क्योंकि बिजली से चलता है, अगर लाइट चला गया तो ऑफ हो जाएगा। एंड इफ यू हैव नॉट सेव, अगर जो आपने लिखा है, जो टाइप किया है, वो सेव नहीं करेंगे तो योर वर्क इट विल बी इरेज फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी, वो जो है कंप्यूटर की मेमोरी से इरेज हो जाएगा एज सून एज द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, बिजली के चले जा रहे थे। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, अगर आप कंप्यूटर पे कोई चीज टाइप कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पे तो आपको शो होगा, आप जब तक उसको सेव नहीं करेंगे वो सेव नहीं होगा। प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एस तो वो सेव हो जाएगा। अगर आपने नहीं सेव किया और अचानक से लाइट चला गया तो वो सारा इरेज हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू योर नेक्स्ट पैराग्राफ। द टर्न यूपीएस स्टैंड फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड पावर सप्लाई। वी अटैच अ यूपीएस टू आवर कंप्यूटर सो दैट द कंप्यूटर डज नॉट स्विच ऑफ सडनली व्हेन
there is power failure. The UPS works on battery. Okay, student, means ये जो है the term UPS stands for uninterrupted power supply. ये जो UPS जो है हमारे सिस्टम को UPS अनिस्ट्रिक्टेड मतलब अनिश्चित शब्द से अनिश्चित रूप से मतलब वो हमारे यूपीएस को पावर सप्लाई करता है. यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनिस्ट्रिक्टेड पावर सप्लाई. ओके, वी अटैच अवर यूपीएस टू आवर कंप्यूटर सो दैट दी कंप्यूटर डज नॉट स्विच ऑफ सडनली व्हेन देयर द पावर फेलियर द यूपीएस वर्क ऑन बैटरी. मीन्स ये कह रहा है यूपीएस जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से अटैच रहता है और ये हमारे कंप्यूटर को पावर देता है और जब लाइट ऑन होता है तो ये सडनली सारे चीजों को ऑफ नहीं करता है, ऑन ही रहता है. बट कंडीशन ये है इसमें जो आपने टाइप किया है सेव नहीं किया तो सेव नहीं होगा क्योंकि यूपीएस जो है हमारे सिस्टम को पावर सप्लाई करता है एंड स्विच ऑफ होने के बाद और ये पावर फेल होने से बचाता है. मेन पूरा सिस्टम का पावर फेल होने से बचाता है एंड द यूपीएस वर्क ऑन बैटरी और यूपीएस जो है बैटरी से वर्क करता है. ओके स्टूडेंट, आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. स्टूडेंट्स मैंने इस वीडियो को स्टूडेंट्स मैंने इस चैप्टर सेकंड चैप्टर को फोर्थ पार्ट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है. आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स एंड वी विल मीट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो इज योर क्वेश्चन आंसर. So children, if you have any doubts and queries, you can ask me. Okay? Thank you. Thank you for watching my case.